हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, पेश है इस वीडियो सीरीज का नवा पार्ट, नाइन्थ पार्ट है ये। इसमें मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है सितंबर 2014 का, प्राइमरी टीचर्स के लिए जो है सीटेट पेपर वन होता है वही पेपर लिया है मैंने, ठीक है। ये वीडियो सीरीज खास कर उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि मैथ्स उनके लिए, मैथ्स उनका वीकनेस है, ठीक है। तो इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि वीकनेस होने के बावजूद मैथ्स के आप 10 से 12 13 क्वेश्चन इसमें भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं होता मैथ्स के कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक। मैथ्स का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए इसके लिए, आप बहुत ही ईजीली अगर ऐड सब्सट्रैक्शन एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको आता है और इसमें आपकी प्रैक्टिस है तो बहुत ही आसानी से 10 से 12 नंबर आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर्स बोलता हूँ क्योंकि बहुत ही इजी होते हैं ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से, ठीक। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा 35362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान का अंतर बताना है, द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 35362, ठीक है। तो बहुत ही तेजी में करेंगे आज क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें 5 का क्या है, इसका प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू इसका हो गया आपका 5000, ठीक है। 5000 हो गया आपका इसका प्लेस वैल्यू और इसका फेस वैल्यू है 5, ठीक है। तो इसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपको पता है 5000 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 4995, ठीक है। ये आपको याद मतलब बहुत ही इजी है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 4995 हो गया इसमें से माइनस करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 32, 10 इकाई 10 दहाई और 10000 किसके बराबर है। तो इसमें आप बहुत ही जल्दी करते हैं और बढ़ाते हैं और आप इसको टिक लगा देंगे गलती से, ठीक है। लेकिन इसको ये आंसर नहीं, आंसर क्या होगा इसका, बहुत ही ठंडे दिमाग से इसको जोड़ के हम लिख सकते हैं। 10 इकाई का मतलब होता है 10, ठीक है। 10 दहाई का मतलब होता है 100, 10 दहाई 100 और 10000 का मतलब होता है 1 पे 4 0, ठीक है। तो 1 0 2 0 3 0 और 1 4 0 और फिर 1, तीन सबको सम कर देंगे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1, तो कितना आ गया 10110 10110, 10110 ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 210 के घनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या है, ठीक है। 210 का घनात्मक गुणनखंड यानी पॉजिटिव इंटी पॉजिटिव क्या हो जाएगा फैक्टर्स, ठीक है। पॉजिटिव फैक्टर्स आपके 210 के निकालने हैं, ठीक है। फैक्टर्स निकालने के लिए आपको उन्हें बता रखा है पहले कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, तो हम एक से शुरू करते हैं, ठीक है। 1 × 210, ठीक है। 1 × 210 क्या आएगा, 210 ही आएगा, ठीक है। अब 2 से देखना है, 2 से कितने बार में आएगा, ठीक है। 2 × 1 = 2 2 × 5 = 10, ठीक है। 3 से होगा कि नहीं, 3 से होगा, 3 से कितने बार में जाएगा, 3 × 7 = 21, ठीक है। आपको इसके साथ साथ लिखना है आमने सामने क्योंकि आपको बाद में योगफल निकालना है, ठीक है। तो एक ही बार लिखेंगे उसी डायरेक्ट हम उसको सम कर देंगे, तो 3 × 7 = 21 3 × 0 = 70 3 × 210 होता है। 4 से देखेंगे, 4 से कटेगा कि नहीं, ठीक है। 4 से ये डिवाइड नहीं होगा, 4 का क्या रूल है, आखिर का जो 2 डिजिट है अगर 4 से कटता है तो कटेगा पूरा डिजिट, नहीं तो नहीं कट, नहीं डिवाइड होगा, तो 4 से नहीं होगा, 5 से कटेगा, ठीक है। 5 × 5 = 20 होता है और 5 × 10, ठीक है, 42 बार में कट जाएगा। 6 से कटेगा कि नहीं, तो 6 से कटेगा, ठीक है। 6 × 3 = 18, ठीक है। 6 × 3 = 18 होता है और 18 × 30 बचेगा, तो 6 × 5 = 30 यानी 35 बार में कट जाएगा। 7 से कटेगा बिल्कुल, 7 × 3 = 21 30 बार में कट जाएगा, 7 × 3 = 21 7 × 0 = 0, ठीक है। 8 से कटेगा क्या, 8 × 2 = 16 और 16 × 5 = 21 यानी 50 नहीं कटेगा। 9 से
नौ से भी नहीं कटेगा, दस से कट जाएगा, ठीक है। तो दस गुणे दस गुना बीस, दस एकम दस, ठीक है, 21 बार में कट जाएगा। 11 से कटेगा नहीं कटेगा, 12 से कटेगा नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, और ये 14 से कटेगा, ठीक है। तो ये आपको चेक करते हुए जाना है, 14 से, ठीक है, 14 एकम 14, और ये 14 बचे 70, ठीक है। अब हम दोनों का तरफ सम कर देंगे, तो सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका योगफल निकालना है, ठीक है, इसलिए इसका एडिशन कर देंगे। 5 2 7, 5 12, 13 13 5 18 8, ठीक है, और फिर 1 1 1 2, 7 9 9 4 13, 13 3 16, 16 3 19, 20 21, और 1 22, 22 का 2, 5 6 2, 2 2 4 1 5, ठीक है। 5 6 28 इधर हो गया और इधर हो गया हमारे 2 1 3, 3 6 5 11, 11 8 6 17, 17 और 7 24, ठीक है, 24 और 4 28 के 8 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4, 48, 48 इसमें ऐड कर देंगे हम, कितना हो जाएगा, 8 8 16 का 6 हासिल 1 4 और 6 1 7, और ये 5 576, ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है, 576। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसमें क्या है, गौरव ने सोमवार को 4.5 घंटे काम किए, ठीक है, मंगलवार को 190 मिनट काम किए, बुधवार को 5:20 पे शुरू किया और 9:10 तक काम किया, और शुक्रवार को 220 मिनट काम किए, उसे 1 घंटा काम करने के लिए 42 रुपये मिलते हैं, ठीक है, 42 रुपये मिलते हैं, तो उसने सोमवार से शुक्रवार तक कितना पैसा कमाया, तो सबको हम मिनट में लिख लेंगे, ठीक है, मिनट में लिखेंगे सारे काम को, तो 4.5 घंटे का कितना मिनट हो जाएगा, 4 घंटे का हो जाएगा हमारा, 4 6 24, यानी 240 मिनट हो गया 4 घंटे का, और आधे घंटे का 30 मिनट, ठीक है, ये हो गया हमारा। दूसरा है 190 मिनट, ये डायरेक्ट मिनट में, तो इसको वैसे ही लिख लेंगे 190 मिनट, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे कितना मिनट हो गया हमारा, तो 5:20 से शुरू किया तो 6 बजे तक कितना मिनट हो गया, 40 मिनट, ठीक है, 6 से 9 हो गए 3 घंटा, यानी 3 घंटा 40 मिनट प्लस 10 मिनट, यानी 3 घंटा 50 मिनट, 50 मिनट वैसे ही लिख लेंगे, 3 घंटे का हो जाएगा हमारा 3 6 18, यानी 180 मिनट, ठीक है। उसके बाद लास्ट में फिर ये मिनट में है 220 मिनट, तो 220 मिनट लिख लिया हमने, ठीक है, तो टोटल हो गया हमारा 0 0, ये 0 आ गया। उसके बाद 4 और 3 7, 7 9 16 16 5 21, 21 और 8 29, और 2 31 का 1 हासिल 3, ठीक है, 3 2 5 6 7 और 2 9, यानी 910 मिनट, 910 मिनट को जब हम घंटे से घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो घंटे के लिए हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जब 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा, ठीक है, 6 से हम कट करेंगे, 6 एकम 6, और यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 31 6 5 30, ठीक है, तो 15 6 90, ठीक है, तो 15 घंटा हो गया, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 60 से हो जाएगा 15 6 90, 900 मिनट हो गया हमारा 15 घंटा, और 10 मिनट और बच जाएगा, ठीक है, तो 15 घंटा 10 मिनट उसने काम किया, तो 15 घंटे का कितना है, 42 रुपये के हिसाब से, ठीक है, 42 से गुणा कर देंगे 15 को, 15 30 का 0, 8 में 3, और 15 6 60 और 3 63, तो 630 रुपये प्लस 10 मिनट का और मिलेगा उसे, तो 630 प्लस 10 मिनट का, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 630 से ऊपर कोई भी नहीं है, 637 है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी 10 मिनट का आपको निकालना है, तो 10 मिनट होता है हमारा 10/60, ये हो गया हमारा घंटा, ठीक है, 60 से भाग देंगे तभी तो घंटा निकलेगा, जैसे यहाँ पे निकाले थे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 42 से, ठीक है, 42 है, 1 घंटे का 42 है, तो इतने घंटे का कितना होगा, ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 6 7 42, 7 रुपये हो गया, 7 रुपये इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 637 रुपये, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 35, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है आपकी, कौन सी होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, 9,
नाइन और एक बार और नाइन, 4 बार 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, कितनी होती है, 100। ठीक है, 2 0 और 1 यानी 3 डिजिट, 1 2 3, 0 0 और 1 100। ठीक है, अब इसका क्या करना है, योगफल निकालना है यानी कि जोड़ना है। जोड़ना है तो क्या आ जाएगा, 9 9 9 1 10 कर 0, 1 9 और 1 10, 1 00 99, 1 00 99, ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है, यानी 26 एंड 2600। शतांक मतलब होता है आपका डिवाइडेड बाय 100, 100 से भागा देना है, शतांक का मतलब यही होता है। तो 26 तो 26 हो गया, ठीक है, 26 और 26 प्लस 26 बटे 100, ठीक है, 26 बटे 100 कितना हो जाएगा, 0.26, 26 प्लस 0.26 हो जाएगा हमारा 26.26, 26.26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37 19009, ठीक है, 19009 को 11 से डिवाइड देना है और इसको भी 11 से डिवाइड देना है, जो भी शेष फल आएगा उसका गुणनफल बताना है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम, तो 11 एकम 11 हो जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है, 8 में 0 लगाएंगे तो 80 हो जाएगा, 11 77, फिर 3 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, 11 2 9 22, ठीक है, 30 में से 22 गया तो फिर 8 बचेगा, फिर 89 हो जाएगा, तो 11 8 88, कितना बचा यहाँ पे शेष, 1, ठीक है, 88 प्लस 1 89, तो 1 यहाँ पे शेष फल बचा। अब इसमें देखेंगे हम, तो 11 एकम ये 90 है, तो 11 8 88, ठीक है, 88 में 90 में से 88 गया तो 2 बचेगा, ठीक है, 2 29 हो जाएगा, तो 11 2 9 22, फिर कितना बचेगा, 7, ठीक है, 7 में से ये हो गया 70 हो जाएगा, तो 11 6 66, फिर 70 में से 66 माइनस में कितना बचेगा, 4, ठीक है, तो ये यहाँ का शेषफल हो गया और दोनों का शेषफलों का गुणा हो गया 4 एकम 4, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, 3 पूर्णांक 1/3 में कितने 1/6 हैं। ठीक है, कितने मतलब होता है आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है, कितने 1/6 हैं, तो 1/6 से आपको इसमें डिवाइड कर देना है, तो ये कितना है आपका, 3 पूर्णांक 1/3 को हम लिख सकते हैं, 3 3 का 9 प्लस 1 10 बटे 3, ठीक है, कितना 1/6 है तो 1/6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने का मतलब होता है कि पलट के हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/6 हो जाएगा गुणे 6/1, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, 3 2 6 10 2 20, ये आ गया आपका आंसर 4, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, इसमें क्या है, गुणनफल 11, अब इसका गुणनफल निकालना है, इन दोनों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल निकाल के इसमें से कितना घटाएंगे कि इतना है, तो इसी को घटा देंगे तो वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, बहुत ईजी है, 1109 है, ठीक है, इसको 505 से गुणा करना है, तो 5 है तो 5 ईजी है, दोनों बार सेम सेम आ जाएगा, 5 9 45 का 5, ठीक है, यहाँ से 4 5 5 0 0 4 आ जाएगा, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, ठीक है, 4 बार 0 लिख देते हैं, 0 0 0 0 से जाएगा, फिर 5 से है तो यहाँ से शुरू करेंगे, 5 4 5 और फिर 5, कितना आ जाएगा, 5 4 5 10 का 0 हासिल है, 5 4 9 10 का 0 हासिल है, 5 6 और 5, 5 6 0 0, ठीक है, 4 5, अब इसमें से इतना ही घटा देंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या घटाएंगे, 50 50 50 और ये 50, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा, 5 में से 0 गया 5, यहाँ 4 में से 5 नहीं जाएगा तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे बचेगा 9 9 से 0 गया 9, फिर यहाँ पे 9 बचा 9 में से 5 गया तो 4 और यहाँ बचा 5 5 में से 0 गया 5, 54995, 54995, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इसमें आपको चेक करना है कौन सा सही नहीं है।
ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो इसको भी कर सकते हैं, नहीं तो ये थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट लेने तो छोड़ भी सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें 12-13 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए हैं, हो जाएंगे टोटल, ठीक है। फिर भी ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, इसमें बहुत इजी रहता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, सिर्फ मैच करना होता है। तो एक आप अंदाज से बता सकते हो, ठीक है। 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का एक एक दशांश है, ठीक है। तो कितना, 10 10 मिलीमीटर का 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर का एक दशांश हो गया, यानी कि 1/10 हो गया, 1/10 सेंटीमीटर का हो गया 1 मिलीमीटर, तो ये करेक्ट है, ठीक है। 1 किलोग्राम 12 ग्राम, ठीक है। 12 ग्राम मतलब 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, तो 1000 की जगह पे यहाँ पे लिख दिया 12, ठीक है। 1000 है तो 3 0 में 1000 में 3 0 आते हैं, तो यहाँ पे 12 लिख दिया, तो यानी ये भी सही है। तीसरा है 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, 1000 मतलब कि 1000, ठीक है। 1000 में 10 सेंटीमीटर और जोड़ दिया तो कितना हो गया, 1010 सेंटीमीटर, यानी ये भी सही है। तो लास्ट का ये गलत है, क्यों गलत है, 23/100 हो जाएगा आपका पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 0.23, यानी 0.23, जो यहाँ पे, यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लिखा 2.30, तो ये क्रॉस हो जाएगा, सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। एक टंकी में 240 लीटर और 128 मिलीलीटर दूध है, जिसको के 16 जार में अगर रखेंगे तो पूरा पूरा उसमें आ जाएगा, 16 जार में आ जाता है, कितना, 240 लीटर और 128 मिलीलीटर, ठीक है। तो ऐसे जार अगर 22 जार है तो उसमें कितना दूध आएगा, तो एक जार का आपको निकालना है, एक जार में कितना आएगा, ठीक है। तो एक जार का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 240 पॉइंट मिलीलीटर को पॉइंट में लिखते हैं, 128, 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है, तो 0.128 हो गया, इसको हम डिवाइड कर देंगे 16 से, ठीक है, ताकि आपको एक जार का कैपेसिटी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट है, तो 3 के बाद ही रहेगा, इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है। इसको 16 से डिवाइड करते हैं, तो 2 8 16, ठीक है, आसानी के लिए लेते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 0 2 0, ठीक है। उसके बाद फिर ये 12 है, तो फिर से 1 0 लगेगा, 12 को डिवाइड करेंगे, 2 डिजिट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो 2 6 12, 2 6 8, फिर 8 से इसको कट करेंगे, तो 8 1 8, 4 5 8 5 40, ठीक है। फिर 1 0 ऐसे ही आ जाएगा, फिर से ये डबल डिजिट में आपको डिवाइड करना है, तो फिर से 1 0 आएगा, उसके बाद 8 5 64, कितने के बाद था, 3 डिजिट के बाद था हमारा दशमलव, तो 15.008 आ गया, 15.008, ये क्या आ गया, ये आ गया आपके 1 जार का कैपेसिटी आ गया। अब ये पूछ रहा है कि 22 जार में कितना दूध आएगा, तो इसको गुणा कर देंगे हम 22 से, ठीक है। 22 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से करेंगे, 2 8 16 का 6, यहाँ से 1 2 0 0 1, 2 0 0 0, 2 5 10 का 0, हासिल 1 2 1 2 3, ठीक है। 22 है तो सेम सेम यही चीज़ लिख देंगे, 3 0 0, ठीक है, 1 6, जोड़ देंगे इसको 6 6 और 1 7, 1 0 3 3, 3 डिजिट के बाद है, तो 3 डिजिट बाद 1 2 3 यहाँ लगा देंगे, 330 लीटर 176 मिलीलीटर, तो ये आपका 1 नंबर हो गया आंसर, 330 लीटर 176 मिलीलीटर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, 4 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 5 6 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर क्या है, ठीक है। 4 5 6 का सार्वगुणज क्या हो जाएगा, यानी कि एलसीएम निकालना है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक 4 5 6 का, 4 5 6, ठीक है। तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 2 4 5 वैसे ही रहेगा, 2 3 6, तो कितना हो गया हमारा, 2 2 4 5 20, 3 1 60, ठीक है, इसका हो गया 60। तो दूसरे आ रहेगा 5 6 9, 5 6 9, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, तो 2 इसको 3 से करेंगे हम, 5 वैसे ही रहेगा, 3 2 6 और 3 3 9,
कितना हो गया, 3 5 15 15 तो नहीं, 30 30 90, ठीक है, इसका 60 गुणज हो गया 90, इन दोनों का अंतर बताना है। तो 60 में से 90 गया, कितना बचा 30, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 30, ठीक है। ये हो गया आपके कितने क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया, दो ये हो गया, 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 क्वेश्चन आपके मिल गए इसमें आसान, जो कि बहुत ही ईजीली आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, मोटिवेशन मिलेगा उससे और आपके नए नए वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है इससे, ठीक है। शेयर भी कीजिए दूसरे जो आपको लगता है, आपके जो फ्रेंड हैं जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की, उनको आप सेंड कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।